किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वही कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बुलारी में स्थित गांव मोहम्मदपुर हयात नगर पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान राजकुमारी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया है, तथा गांव को स्वच्छ रखने के लिए गांव में कूड़ेदान लगवाए गए हैं। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं, तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति विद्याराम मौर्या, ग्राम मोहम्मद यादपुर, विकास खंड बनिया खेड़ा, जिला मुरादाबाद। हमारे गांव में विकास का कार्य, सौर ऊर्जा लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट लगी हैं, और सीसी रोड भी हुए हैं, और स्कूल की चार दीवारी भी है, और आगे जो है हमारे यहाँ जो कमी है वो हमारे यहाँ जैसे आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और पंचायत घर नहीं है और विकास का कार्य, और जो है क्या कि शौचालय भी कार्य भी प्रारंभ नहीं है, होने में ही है थोड़ा सा। पानी की निकासी भी चाहिए हैं, और हमारे एक दो तीन नाले हैं जो भी हमारे अभी पूरे नहीं हैं, उसके लिए शीघ्र अति आवश्यकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। प्रधान जी हमारे यहाँ अच्छा काम कराते हैं, और लाइट की सुविधा, सड़क की सुविधा सभी उपलब्ध है।